हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है पोटैटो 65। एक बार आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाइए। मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इतना अच्छा बनाया है कि बच्चे मम्मी जल्दी दीजिए सभी एकदम इंतज़ार में बैठे हुए हैं और हम प्लेटिंग कर भी नहीं पाए और बच्चे जल्दी जल्दी खाने में लगे जो है। आज हम बनाते हैं पोटैटो 65 जो है। ये हमने उबले हुए आलू लिया हुआ है। इस तरह से देखिए, हमने काट कर इसको उबाल लिया है। बहुत ज़्यादा इसको हमने नहीं गलाया, इस तरह से हमने जो है इसको अच्छी तरह से उबाल लिया है। पोटैटो 65 बनाने के लिए हमको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आलू में जो है पानी बिल्कुल भी ना हो। अब हमको एक कटोरे में इसको डालना है। कटोरे में डाल चुके, हमको डालना है इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर। हमें लेना है 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। एक चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट पाउडर, चाट मसाला, कुछ हरी मिर्ची। इस तरह से हमें काट लेना है बड़े बड़े टुकड़ों में। पोटैटो 65 है, चटपटा बनना है तो इसलिए हमको खूब चटपटा बनाना है। तो जो है इस तरह से हरी मिर्ची कुछ हमको ले लेना है और कुछ कड़ी पत्ता। इस तरह से नमक हमें अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। अब हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर चम्मच से नहीं मिक्स होता है तो हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लें। चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा तो इस तरह से हमें एक प्लेट रख देना। प्लेट रख के इस तरह से हमें अच्छी तरह से देखिए मिक्स हो चुका है। कटोरे में हमने थोड़ा सा पानी लिया हुआ है, मसाले की कोटिंग अच्छी तरह से नहीं हो पा रही थी तो इसलिए हमने थोड़ा सा पानी लिया है। देखिए कटोरे में ही मसाला लगा हुआ था, ये इसको हल्का सा हमें डालकर जो है इसको अच्छी तरह से कोटिंग कर लेना। कलर भी बहुत प्यारा माशाल्लाह से आ चुका है। अब सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लिया है। अब हमें थोड़ा सा डालना है इसमें टमाटो सॉस। हमें डालना है चिली सॉस, फिर से अच्छी तरह से इसको हमें मिक्स कर लेना होगा। कौन सा अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगा तभी हमको इसको ये चिली सॉस और टमाटो सॉस से मिक्स करना होगा। चिली सॉस टमाटो सॉस का भी जो है खूब अच्छी सी कोटिंग हो चुकी। अब हम इसको चलते हैं फ्राई करने के लिए। गैस पे हमने तेल रखा है, तेल भी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। गैस को हमें तेज ही रखना होगा। तेज़ गैस पे फ्राई होना है।
है, धनिया बिल्कुल नहीं रखना है क्योंकि आलू अच्छी तरह से सब गला हुआ है, नहीं तो आलू जो है कढ़ाई में चिपकने लगेगा। अगर हमने यहाँ भी गैस धीमी किया तो आलू सब कढ़ाई में चिपकने लगेगा, आलू के ऊपर जो भी कोटिंग है वो उतर जाएगी। माशाल्लाह से बहुत प्यारा कलर आ चुका है और मेरा पोटैटो 65 बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ी देर और अभी हमको गोल्डन कलर करना है। सभी आलू गोल्डन हो चुके हैं, हमें इसको निकाल लेना है। आधे आलू हम जो है फ्राई कर चुके हैं, अब आधा सभी आलू फिर से जो है फ्राई हो चुके हैं। आधे हम पहले फ्राई कर चुके थे, आधे के हम गैस को बंद करते हैं और हमको इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। पोटैटो 65 बनकर तैयार हो चुका, अब हम चलते हैं इसको प्लेटिंग करते हैं। पोटैटो 65 बनकर तैयार हो चुका, अब हम चलते हैं इसको प्लेटिंग करते हैं जो है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है पोटैटो 65 जो है, इतना टेस्टी बनाया है कि बच्चे जल्दी जल्दी खाने के लिए तैयार है बिल्कुल जो है। बच्चे हम इसको प्लेटिंग कर ही रहे थे, बस बच्चे जल्दी से सोचा है कि कितनी जल्दी खा ले और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो चुका। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।